मल्टी एस ए ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट विद कॉमोडिटी करोबल मैक्रो एस स्पेशल फोकस आप मेरे साथ डिफरेंट तरीके से जुड़ सकते हैं जैसे आप YouTube के जरिए जुड़े हुए हैं कनेक्ट विद मी Through Twitter account and as well as through Elon Markets. Elon Markets, if you go to their website, you'll find there are listed courses from me. Uh, you have to just type. Let me show you quickly before we move to. A. double So here you will find different, different courses. This is an awesome program from Elon Markets. This is this class is part of that trading mentorship program. तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ट्रेडिंग मेन्टरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट्स टू द रेनबो सेटअप यूजर्स यूजर्स बेसिकली सब हेल्प करने के लिए कि मैं क्या ट्रेड ले रहा हूं ताकि वो लोग को भी कॉन्फिडेंस मिले uh, या फिर मैं रिकमेंड बिल्कुल आई 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 डोंट रिकमेंड कि यू 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 फॉलो मी एंड ट्रेड बिकॉज आल्सो मेक लॉस लॉस लास्ट टाइम क्रूड ऑयल हैव सीन मेड सो ऑलवेज लुक एट द चार्ट बट एटलीस्ट आई वांट फ्रॉम माई साइड मैं देना चाहता हूँ कि क्या किस टाइप ऑफ थिंकिंग इज गोइंग ऑन माई हेड

बट आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा बिफोर द इन्फ्लेशन डेटा कि मार्केट पाउंड के बारे में क्या सोच रहा है पाउंड हैज ये बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है टुवर्ड्स 1.31 तो इसके ऊपर नजर रखना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर तो कैसे बिहेव कर रहा है ऑन दिस डेटा पाउंड कैसा डेटा आया है वो उसके ऊपर आई विल बी फोकसिंग सो द अन एम्प्लॉयमेंट ट्रेड नॉट इज द एवरेज अर्निंग्स इसमें फोकस रहेगा एंड ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट चेंज मेन रहेगा एवरेज अर्निंग इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग बोनस बट आज का जो मेन डेटा है वो डेटा है इंफ्लेशन डेटा आज का यूएस का इंफ्लेशन डेटा आ रहा है वन ऑफ द मोस्ट या तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है ग्लोबल मार्केट्स के लिए मैं अपना फ्रेंच डोर खोल दिया हूं सो इफ एनी साउंड फ्राम अदर साइड डोट माइंड डेट सो यहाँ पे इन्फ्लेशन का जो डेटा दिस विल बी अ मेजर मूवर इन यूएस बॉन्ड मार्केट एज यूएस बॉन्ड मार्केट में मूव होता है इट हैज अ ग्लोबल इम्पैक्ट बॉन्ड मार्केट के साथ डॉलर इज रिलेटेड एंड डॉलर का इम्पैक्ट से ग्लोबल मार्केट में भी एक इम्पैक्ट आएगा र इन्फ्लेशन का जो डेटा है कोर इन्फ्लेशन इज द मेन फोकस मार्केट वुड लव एट ड्रॉप इन दिस इन्फ्लेशन टू मोर टूवर्ड थ्री पॉइंट फाइव अगर ऐसा ड्रॉप होता है देन वी कैन सी सिग्निफिकेंट सेल ऑफ इन द इंटरेस्ट रेट एंड द डॉलर अगर इट गोज अबव देन मार्केट विल बी सीवियरली प्राइसिंग अ स्ट्रॉन्ग डॉलर इवन इफ इट रिमेन सेम और थ्री पॉइंट नाइन थ्री पॉइंट एट मतलब स्पीड में नहीं गिर रहा है कैन सी अ स्ट्रॉन्ग डॉलर यहाँ पे टॉपिक्स में जाके लेट्स गो टू मार्केट सॉरी एनालिसिस एम एम डेली जिसके अंडर सारा इंपॉर्टेंट डेटा दिख जाएगा एंड यूएससीपीआई यूएससीपीआई में ये दिस चार्ट में वीकेंड में भी दिखा चुका हूं और एक बार देख लेते हैं दिस इज द कोर सी पी आई ठीक है ये कोर सी पी आई जिस स्पीड में गिर रहा था इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वो स्पीड है स्लो डाउन और फेडरल रिजर्व का टारगेट है इज टू परसेंट ऑलमोस्ट फेडरल रिजर्व के टारगेट के डबल है सो करेंटली मार्केट टू सी अ ड्रॉप इन कोर इन्फ्लेशन देन वो नैरेटिव की डॉलर सेल ऑफ एंड मोर रिस्क ऑन और इक्विटी गो अप कैन कंटिन्यू इफ नॉट देन वी आर लुकिंग एट अ डिफरेंट सिनारी जो भी हो वोलाटिलिटी रहेगा सो प्रिपेयर फॉर वोलाटिलिटी जो भी ट्रेड छोड़ के जा रहे हैं रिमेंबर कीजिए इट इज उंटरिंग छोड़ के जाऊंगा ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड रिस्क लेके जा रहा हूं एक लिमिटेड रिस्क लिमिटेड पोजिशन सोच समझ के काम करूंगा आप अगर ऐसा नहीं हो यू कैन बी इम्पोजिंग योर सेल्फ इंटू ए बिगर रिस्क ऑन दिस डेटा इवेंट्स सो so, अब हम लोग चार्ट में चले जाएंगे उसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू में आ चुका हूं एंड ट्रेडिंग व्यू में ये देखिए टू क्रिएट करूंगा मेरा अपना सेटअप फाउंटेन ऑफ गोल्ड एंड वो क्रिएट करने के लिए मुझे चाहिए एस डी रेनबो वे वर्शन वन और उसमें मैं सिलेक्ट कर रहा हूं पहले फाउंटेन ऑफ गोल्ड यानी मदर सेटअप और उसके साथ एस डी आर एस आई एक्स भी चूज करूंगा जो मुझे फाइनली ट्वेल्व फैक्टर रीडिंग प्रोवाइड करेगा टली so जो दिख रहा है आफ्टर अट ऑफ टर्न अराउंड इन द इंटरेस्ट रेट और इफ यू गो टू टूर्स सिमिलर पिक्चर दिख जाएगा कि आफ्टर अ बिट ऑफ टर्न अराउंड इन द इंटरेस्ट रेट यहाँ पे एक करेक्शन आया है इफ दिस करेक्शन टर्न आउट टू बी ऑपोजिट ब्रेक दिस इज गोइंग टू बी अट्रॉन्ग डॉलर सिनारियो

या प्राइस एक्शन बुलिश मतलब फुल रेड कैंडल तो पता चल जाएगा अगर डेटा के बाद सेल ऑफ आ रहा है मेरा फोकस है मेनली ट्रेडिंग या स्विंग इन्वेस्टमेंट के लिए दिस टेन ईयर एंड थर्टी ईयर आई डू नॉट गो मच फॉर लोअर टाइम फ्रेम रेयरली सो इसको मैं फॉरेन फंड्स लाइक टी इसके जरिए लॉन्ग करना पसंद करूंगा So, यहाँ पे ईयर का इंटरेस्ट रेट या थर्टी ईयर इंटरेस्ट रेट हैज टेकन है टर्न हम लोग प्रिपेयर हो सकते हैं कि to, uh, हम लोग का सेल ऑफ का चांस आया है थोड़ा पोजिशन ऑलरेडी बैठा सकते थे विच वी डू इट डिट नॉट दैट प्रोविजन की वो ऐसा प्रॉफिट में ऐसा नहीं कि वो सेम लेवल पे जा रहा है वी आर वेटिंग फॉर द डेटा इफ इट कम्स टू द डाउन साइड वी आर गोइंगी आर गोइंग टू सी सम वेरी बिग गेन्स यहाँ पे वीकली चार्ट में मैं सेल सिग्नल का वेट कर रहा हूं टू गो फॉर मच बिगर क्वांटिटी सो इसमें ये लेवल का ब्रेकडाउन फोर पॉइंट जीरो फाइव जीरो थ्री लेवल का ब्रेकडाउन विल प्रेफर सो दिस इज बॉन्ड मार्केट पिक्चर सो बॉन्ड मार्केट हाउ इट रिएक्ट्स उसके ऊपर अपना डॉलर का मूव भी डिपेंड करेगा so let's look at the dollar index dollar index में हम लोग जो बियरेश थे it has paid off significantly कि dollar index हम लोग काफी टाइम्स ऑब्जर्व कर रहे थे कि दिस इज बियरेश बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रीच कर चुका है ये और गिर सकता है ऐसा पॉसिबल डेफिनेटली पॉसिबल अगर डेटा आया it can go for a much bigger decline ये जो मेन सपोर्ट है माउंटेन टॉप का ऑपोजिट कि ट्रेंच बॉटम उस सपोर्ट से सपोर

So, आ इंडिविजुअल पेयर में और कैसे ट्रेड लिया जा सकता है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे तो बेसिकली अगर आप मेरे संडे का वीडियो देखे होंगे आपको मैंने बताया कि आई लुक फॉर अ प्रॉफिट बुकिंग विच आई डेट यस्टरडे आज भी रेड कैप तो कैंडल वाइज हम लोग रेडी नहीं है बट दिस इज वेरी नेचुरल क्योंकि डेटा से पहले करेक्शन होना सो आई नॉट एट ऑल कि यहाँ पे डेफिनेटली uh, ये ये हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ तक करेक्शन हो ही सकता है एंड कल ऑलमोस्ट उस लेवल तक वहां तक गया नहीं बट पास जा रहा था एंड जोन जब तक ब्रेक नहीं होता सिग्निफिकेंट बुलिश जो करंट मूड है वो ऑफ नहीं होगा सो डॉलर भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे यूरोखेंगे तो देख क्या होता है आने वाले इसमें सो so इसमें मेरा जो पोजीशन था पार्शियली बुक टॉफ

ये कैसे जा रहा है तो थोड़ा पोजिशन कंटिन्यू करके आई बी विद फिर हम लोग आ रहे हैं जीबीपीएसडी में जीबीपीएसडी में ऑलरेडी आई अनाउंसड संडे को आप सुने होंगे की टू एट फाइव जीरो आई लुक फॉर प्रॉफिट बुकिंग ये कैंडल भी दिखाया था इट रीच द लेवल एंड आई प्रोफिट बुक ये

क्योंकि उसके साथ साथ जैसे जीबीपी यूएसडी मेरा कुछ पोजीशन लॉन्ग है मैं जीबीपी में शॉर्ट पोजीशन बैठा दिस इज अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर एडवांस ट्रेडर्स जैसे जीबीपीएस लॉन्ग आई हैडी शॉर्टेड एनदर वन दिस इज दी बी पी पाउंडियन अनफॉर्चुनेटली पाउंडियन आफ्टर आई शॉर्टेड इन द इवनिंग इट हैज रिकवर्ड बिकॉज इट वॉज द more of a contrary signal which did not work out pound recovered gains and further it is up background has turned yellow so pound in may loss booking i'll be closely watching this so pound in may loss booking is very likely i'll have to do so ye jo pound in May short tha. that's why i did not went excessive in gbp so pound yen i'll be closely watching broadly i think i'll be uh, because ye ऐसा नहीं कि ये टर्न होके बुलिश हो चुका है बट ये पहले से ही मैं इस फेज पे रेडी नहीं था इसको बेचने के लिए बिकॉज जीबीपी वॉज स्ट्रॉग ये वॉज स्ट्रॉन्ग बट ये पाउंड शोड वीकनेस एंड दिस इज द कॉन्ट्रास्ट सिग्नल विद रेड बैकग्राउंड मोर ऑफ कंफर्मेशन के मई शॉर्ट एड बिफोर आवर मार्केट क्लोज एंड लुक्स लाइक इट डिड नॉट डू वेरी वेल क्लियरली दिख ही रहा है कि वो अच्छा नहीं किया तो उसमें पार्शल लॉस जो है मतलब उसमें लॉस जो है वो बुक करना पड़ेगा तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जो स्टार्टर पोजीशन होता है वो हमेशा छोटा क्वांटिटी पाइलॉट क्वांटिटी फोमो क्वांटिटी होता है देन उसके बाद वी कीप ऑन बिल्डिंग एज पावर आवर पिरामिडिंग रूल सो पाउंड इन इज डन यूरोन आई डिड नॉट शॉर्ट एंड इट ऑल्सो वेंट रिकवर्ड अ बिट बट यूरोन आई वॉज वही रीजन था यूरो वॉज स्ट्रॉन्ग After reaching the empty line, first target is it is recovering. So no trade right now in euro yen. So euro yen and pound yen is likely square off loss booking. GBP INR will continue to hold. It is holding above. Dikira correction, hai, but square off kar chuka GBP USD. So not bothered about too much about the correction. Main jo move, hoga, wo data ke baad hoga. So this correction is actually means very less. लेवल ये देखिए अपना लेवल टच करके वापस आ रहा है सो अन्य प्रो ट्रेंड नहीं है कई सारे टफ रेजिस्टेंस है सामने तो इसमें आधा क्वॉंटिटी जो आप लोग प्रॉफिट किए थे आधा वो कल ही मैंने निकल गया सो आई विल आधा क्वान्टिटी निकल के आई विल कंटिन्यू टू वेट एंड सी हाउ इट गोज अगर बैकग्राउंड येलो हो जा रहा है उसमें मैं फुल एग्जिट कर जाऊंगा या फिफ्टी परसेंट कैंडल रेड हो गया तो भी मैं एग्जिट कर दूंगा यहां से जेपीवाई आई एन आर जेपीवाई आई एन आर में करेक्शन जो हो रहा है दिस वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड संडे मैंने अनाउंस किया था कि जेपीवाई कैन गो फॉर अ करेक्शन आई एल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट करेक्शन

एंड जैसे यहाँ पे करेक्शन होता है करेक्शन के बाद अनदर राउंड ऑफ बाइंग कैन कम ऐसा मेरा स्ट्रॉन् क्या बोलते हैं कन्विक्शन लग रहा है सो so, ये करेक्शन का मैं इंतजार कर रहा हूँ फोमो क्वांटिटी ऑब्वियसली जो मेरा एग्जिट मैं फुल एग्जिट है कि ये येलो हो गया देना but broadly, wait for a correction. मैं उसमें अपना पोजिशन होल्ड करूंगा करेक्शन में I'll, that means I'll not exit on red जब तक तीन से ज्यादा रेड कैप्स नहीं हो रहे वंस दैट रेड कैप्स के बाद फुल ग्रीन कैंडल आ रहा है आई विल बी अ बिट एग्रेसिव क्योंकि उसमें मेरा जो ये हाइपोथेसिस था वो सही प्रूव होगा तो आई विल बी एग्रेसिवली एडिंग टू द लॉन्ग पोजिशन और अभी शॉर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे पाउंड इन रेनबो में अर्लीस्ट बाई सिग्नल ये आई थिंक 125 मिनट्स में सिग्नल आया है एक बार फॉर एक्सचेंज करेंसी का सेटअप मैं लगा ले रहा हूं यहां पे रादर देन यूजिंग द जो मदर सेटअप इस्तेमाल ना करके सो बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग इज अ रिकवरी इन पाउंड जो सेल ऑफ हुआ था वो काम नहीं कर रहा है वो तो हम लोग क्लियरली बात की डेली इज माई एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम ये जो हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव मिनट्स है ये हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव मिनट्स में फाइन ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ या आप दो घंटा का चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तीन घंटे का चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं फाइन ट्यूनिंग क्योंकि इंडियन का जो टाइमिंग है वो करेंसी मार्केट का पूरा टाइमिंग कवर नहीं करता इसीलिए जब ना सौदा है है अपना ट्रेड है, उसको फाइन ट्यूनिंग का जरूरत पड़ता है सो फाइन ट्यूनिंग के लिए छोटा टाइम फ्रेम में कब अलर्ट कब एग्जिट आ रहा है एग्जिट से मोर आई यूज इट फॉर एंट्री एग्जिट के लिए तो रेड कैप्स येलो बैकग्राउंड है ही बट आई यूज इट मोर फॉर एंट्री क्योंकि राइट एंट्री राइट टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है तो ओवरऑल अपने जो टाइम है नौ बजे से पांच बजे तक उसके अंदर जो राइटली टाइमली एंट्री करने के लिए आई यूज द हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव मिनट्स सो ये रहे मेरे ब्रॉड ट्रेड और एक ट्रेड जो मेरा चल रहा था आई वॉज एक्सपेक्टिंग मच बिगर क्विकर मूव नॉन फॉर्म पेरोल में हो सकता है आज मूव हो कोई एग्जिट आया नहीं ऑब्वियसली थोड़ा रिकवरी हुआ मतलब प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया है बट यहाँ पे वी डिड नॉट गेट एनी स्टिल एग्जिट रूल अभी भी टारगेट तक रीच नहीं हुआ 82.49 82.37 दैट मींस अभी भी इट कैन मूव अराउंड 25 to 30 पैसा 25 to 30 पैसा मूव इट विल बी अ गुड मूव इन यूसडी आई मेरे पोजिशन के लिए सो विद मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमेशा डिलीवरी में स्टॉप लॉस लगाइए मैक्सीम स्टॉप लॉस दूर रहता है कोई टेंशन नहीं रहता है उसमें बट स्टॉप लॉस जरूर लगाइए तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो आप 83.3 आ रहा है ये जो आप करंट प्राइस और ये प्राइस का गैप देखिए फ्यूचर प्राइस और ट्रेडिंग व्यू का प्राइस अलग होता है वो गैप जो दिख रहा है उस गैप के बेसिस पे फ्यूचर में वो स्टॉप लगा सकते हैं So, ये रहे, करेंसी के बाद कॉमोडिटी में कुछ खास पोजिशन चल नहीं रहा मतलब नंबर ऑफ पोजिशन ऐसा नहीं चल रहा है ब्यूटिफुल चल रहा है जो दैट इज एंड यहाँ पे आई ट्राइड बट इट डिड नॉट मच बिकॉज पोजिशन छोटा था एक्चुअली जिंक में मैं वेट कर रहा हूँ टू हाउ दिस ब्रेक है अगर ये स्लैंटिंग जोन से ये ब्रेक हो रहा है जिंक विल है और ये देखिए मेरा अलर्ट भी लगाया हुआ है कि जैसे दो, दो सौ या 25 का ब्रेकआउट होता है आई बी क्लोजली वाचिंग टू स्टार्ट बिल्डिंग द फोम और मुझे लगता है इट कैन गो फॉर स्टार्ट स्ट्रक्चर देख ऐसा नहीं कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इफ इट ब्रेक्स फ्रॉम हियर दिस कैन बी सॉलिड मूव देन कॉपर कॉपर को अगर देखा जाए तो देखेंगे वही जो अपना रेंज ब्रॉडली देखे थे वही रेंज के अंदर है बुल्स आर डॉमिनेटिंग बट कैंडल साइज देखिए दोनों साइड बढ़ मतलब रहे मतलब वोलाटिलिटी रहेगा बोथ साइड माउंटेन टॉप जब तक क्रॉस नहीं करता सेवन हंड्रेड एंड थर्टी एट तब तक कॉन्सिंग नहीं है अगर तोड़ दिया इट कैन गो फॉर बिग्रम तो आप चाहोग इसमें छोटा पोजिशन फाइन ट्यून करके हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव मिनट्स में यू कैन कीप ऑन पर्पज ऑफ स्पेकुलेटिव एज अ जिसको हम लोग फोमो या स्टार्टर पोजिशन कहते हैं बट उसके लिए भी अभी भी रेडी नहीं है मार्केट विल लाइक टू हैव बहुत पास है वो लेवल का तो सेवन थर्ड एट का ब्रेकआउट होना ही बेहतर होगा इसमें नेक्स्ट जो मेरा ट्रेड ऑसम चल रहा है यू मस्ट हैव सीन द यूएसडी व्हाट अ मूव इन गोल्ड एंड ये आज का इन्फ्लेशन के डेटा से पहले आई विल टेक सम मनी होम जो पैसा घर जाता है वो मेरा जो पैसा रह जाता है वो ब्रोकर का सो ये सिग्नल भी आया है हंड्रेड एंड ट्वेंटी इसमें मैं बहुत बॉर्डर्ड नहीं हूँ सिग्नल की वजह से नहीं ले रहा हूँ बिग प्लेयर्स इस्तेमाल कर सकते डेटा को थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए गोल्ड हेज गि सॉलिड गेन एंड आई डोंट थिंक गोल्ड का रन खत्म भी हुआ है गोल्ड विल कंटिन्यू टू गो हायर बट इट इज कुटल राइट फॉर अ करेक्शन

ब्रेकआउट अटेम्प्ट फेल उसके बाद सेकेंड ब्रेकआउट जब आया आई टूक अ स्मॉलर फोमो क्वांटिटी आई थिंक सिल्वर जैसा दिखा रहा है इट कैन गो अप बट सिल्वर के पास hurdles है गोल्ड मुझे बेहतर दिख रहा था तो इसीलिए आई एम मोर फोकस्ड ऑन गोल्ड सारा काउंटर में ट्रेड करना मैंडेटरी नहीं है आ, जब जहां मौका मिल रहा है वहां पे ट्रेड करना ही बेहतर होता है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रूड ऑयल जैसे हम लोग बात किए थे I should, I think I should not go into, वही हुआ कि जिग्जाग, 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 आपको पता होना चाहिए कभी आपको ट्रेड में रहना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए सो so, मेरा ट्रेडिंग प्लान में इंट्राडे का कोई जगह है नहीं एंड इसमें डेली देख के मुझे पता चला था कि ट्रेड ना करना सही होगा तो ट्रेड ना करना भी एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है So, यहाँ पे जो दिख रहा है दिस इज कंप्लीट टर्न अराउंड इन द स्ट्रक्चर सो क्रूड ऑयल का फॉरवर्ड कार जो है, वो bearish turn कर चुका है दिस इज नॉट रियली वेरी पॉजिटिव सिनारियो फॉर क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल कैन सेल ऑफ फारद सो यहाँ पे सेवेंटी सेवन जो ब्रेकआउट दिख रहा था इट इज नॉट लाइक दैट लुक्स लाइक क्रूड इज टर्निंग द कॉर्नर ये जो लेवल का ब्रेक नहीं लग रहा है कि अब ये ब्रेक हो पाएगा क्रूड कैन कम डाउन टूवर्ड सेवेंटी फाइव एंड गो फॉर सम बिगर समिडेशन ऐसा नहीं कि मार्केट सेल हो गया स्ट्रक्चर वाइज सो फॉरवर्ड कार अर्ली हिंट दे रहा है कि ये जो बाइंग स्प्री था वो खत्म हो चुका है क्रूड ऑयल एंड सेल के तरफ भाभी हो रहा है बट होते हुए भी यहाँ पे इतने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कि एक ट्रेंडिंग प्लेयर मेरे जैसे ट्रेंडिंग प्लेयर के लिए ज्यादा कुछ नहीं है तो इस टाइप ऑफ सिनारी बगर मुझे लगता है कि नहीं अरे प्ले करना चाहिए आई प्ले स्टार्ट प्लेइंग विद द फोमो क्वांटिटी और मार्केट से मुझे डायरेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस मिल रहा है कि प्रॉफिट अप डाउन अप डाउन हो रहा है तो इमोशनल इंटेलिजेंस मिल रहा है वॉट इज हैपनिंग और मेरा जो यहाँ पे आंख के साथ है दोनों में एक काइंड ऑफ सिंकिंग चलता रहता है सो so, इसके साथ हम लोग एक बार कॉमोडिटी सेटअप में जाके स्कोरिंग को देखेंगे ये स्ट्रेंथ देखने से थोड़ा पता चलता है विच कॉमोडिटीज आर स्ट्रॉन्ग गोल्ड इज स्ट्रॉन्ग बट देखिए स्ट्रेंथ लॉस हो रहा है कॉपर में स्ट्रेंथ लॉस हो रहा है जिंक ग्रेजुअली बिल्ड है सो मेटल जो दैट इज एनर्जी जो दिख रहा है दैट इज वीक सो एनर्जी में एज अ अगर बाहर के इन्वेस्टर होते तो मे बी एनर्जी ईटीएफ में या एनर्जी इनवर्स ईटीएफ में पोजीशन लेते एंड मेटल जो है उसमें पॉजिटिव पोजीशन लेते लॉन्ग शॉर्ट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी बन जा रहा बट इंडिया में दो ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर रियली नॉट देयर दैट यू कैन ट्राई आउट डिफरेंस थिंग बट जो लोग बाहर है यू कैन डेफिनेटली ट्राई दीज थिंग्स तो चलिए ये रहे मेरे ब्रॉडली ट्रेड मेटल्स में कुछ खास नहीं इट्स लार्जली गोल्ड स्मॉल स्केल सिल्वर एंड वेटिंग फॉर जिंक करेंसी में प्रॉफिट बुक यूएसडी प्रॉफिट बुक होल्डिंग पार्शियल 50 परसेंट यूएसडी 30 परसेंट पोजीशन बिल्ड करते जा रहा हूँ करेंटली करेक्शन चल रहा है प्रॉफिट बुक करना चाहिए बट जीबीपी यूएसडी में वॉचफुल मोड आई एम सी पॉसिबल वो वापस आ जाए आई थिंक अबाउट अगेन की क्या करना चाहिए बिफोर डेटा

hur don't forget to like and subscribe to my channel all the best from my side and happy trading.